और उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से आ रही है, जहां खटलापुरा मंदिर घाट पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां गणपति विसर्जन के दौरान एक नाव पलट गई, जिससे 19 लोग डूब गए। 11 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 4 लोगों की तलाश जारी है। और बताया जा रहा है कि 4 लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या है पूरी जानकारी और फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल में ये जो हादसा है वह है करीब 19 से 20 लोगों के यहाँ पे डूबने की संभावना जताई गई है, जिसमें कभी रेस्क्यू जो किया गया है, रेस्क्यू उसके बाद कुछ लोगों को जिंदा बचाया गया है। लेकिन ये भी खबर सामने आ रही है कि करीब 11 लोगों की जो लाश है वो मौके से बरामद की गई है, क्योंकि छोटा तालाब है, खतरनाक तालाब है, तो एक गहरा तालाब है। ऐसे में यहाँ से जो लाश है वो बरामद की गई है, करीब 11 लोगों की लाश बरामद की गई है। 11 क्वार्टर पिपलानी क्षेत्र के जो 100 क्वार्टर है वहाँ के रहवासी बताए जा रहे हैं, और जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो अभी भी लगातार जारी किया गया है, क्योंकि ये अभी अंदाजा ये नहीं लगाया जा रहा है कि लोग मरने वालों की संख्या है वो कितनी है। हालांकि हम लोगों को यहाँ पर एक्सी से जिंदा ही बचाया गया है, लेकिन जो सतह है पानी की वो काफी गहराई में है, और ऐसे में यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ है, तो कहीं कुछ प्रतिमाओं साथ तो कहीं अंदर नहीं है। तो तमाम जो एसडीआरएफ की टीम है, गणपति विसर्जन का कार्यक्रम था, विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचते हैं, तो क्या किसी तरीके के सुरक्षा इंतजाम वहाँ पर नहीं किए गए थे? क्या टीम्स वहाँ पर तैनात नहीं थी कि अगर कोई हादसा होता है तो लोगों को बचाया जाए? जो नाव थी वो काफी बड़ी थी और वो नाव टूट गई, जिसके बाद ये हादसा हो गया। जितेंद्र, क्या वहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे? क्या कोई भी वहाँ पर तैनात नहीं था जो कम से कम किसी हादसा होने की स्थिति में लोगों को बचा सके, रेस्क्यू कर सके? चलिए जितेंद्र, तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से मंदिर के घाट पर यह हादसा हुआ, और जैसे ही हादसे की खबर मिली मौके पर कई लोग पहुंच गए और परिवार वाले जो थे वो वहां पर पहले से ही मौजूद थे। और ये सबसे पहले तस्वीरें आप न्यूज़ नेशन के पास देख सकते हैं। गणपति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है घाट में, नाव जो थी वो डूब गई, 19 लोग इस नाव में सवार थे, जिसमें से 11 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 4 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, 4 लोग जिंदा बचा लिए गए हैं। बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, नहरें भी उफान पर हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक नहर थी जिसमें विसर्जन करने के लिए तमाम लोग गए थे, लेकिन नाव टूट जाने के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। और पल पल की अपडेट्स न्यूज नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन बाकी खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnation.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर जरूरी खबर के लिए न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। और पल पल की ताजा अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।